नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे थे और मूल्यांकन के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली थी। आज कुछ चीज़ें और हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कि आप परीक्षण, परीक्षा, मापन, आकलन और मूल्यांकन में कैसे विभेद करोगे। ये तीन चार वर्ड एक जैसे हैं। मैंने मापन और मूल्यांकन का अर्थ बता दिया था। मापन और मूल्यांकन के आज हम अंतर भी पढ़ने वाले हैं, मूल्यांकन के प्रकार भी हम पढ़ने वाले हैं। निश्चित तौर पर मापन की जो मूल्यांकन के प्रकार के अंदर एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना या फिर उन्हें प्रिंट आउट निकाल लेना, या फिर अगर आप बनाना चाहें तो साथ में वो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्सों के अंदर पूरी तरीके से मेहनत हमने की है। यहाँ पर हम लिखवाते कम हैं लेकिन नोट्सों के अंदर बहुत सारा मैटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए यहाँ पर दो तीन शब्द आते हैं, परीक्षण, परीक्षा, मापन, आकलन, ये शब्द हैं। एक है मूल्यांकन, इनमें विभेद करना हमें। ये आपके कुछ शब्द हैं, इनके अंदर हम विभेद करते हैं कि कौन सा शब्द क्या कहता है। मापन, मूल्यांकन, आकलन, परीक्षा, परीक्षण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके परीक्षण को लेकर या परीक्षा को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा क्या होती है। देखो आप बताएंगे मुझे परीक्षा क्या होती है भाई। देखो परीक्षा के अंदर क्या होता है, प्रश्नों का एक विशिष्ट समूह होता है, वही तो परीक्षा है। प्रश्नों का एक विशिष्ट समूह, एक मिनट, प्रश्नों का विशिष्ट समूह है, ये क्या है, परीक्षा है। प्रश्नों का विशिष्ट समूह है, ठीक है, प्रश्नों का, एक एक चीज समझिएगा भाई, का विशिष्ट समूह है। सीधी सी बात है, परीक्षा क्या होगी, कोई परीक्षा ले रही है तो उसके अंदर क्या होंगे, प्रश्न तो होंगे, प्रश्नों का विशिष्ट समूह है। दूसरा परीक्षण, देखिए ये शब्द आपको याद रखने हैं, कई बार सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। एक तो परीक्षा होगी, प्रश्नों का विशिष्ट समूह है, प्रश्नों के विशिष्ट समूह का उत्तर देना, प्रश्नों के विशिष्ट समूह का उत्तर देना, यानी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनके अगर आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देने की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षण होगी। सीधी सी बात है, प्रश्नों के विशिष्ट समूह, विशिष्ट समूह के उत्तर देना, समूह के उत्तर देने की जो प्रक्रिया होगी, उत्तर देने की प्रक्रिया, उत्तर देना की प्रक्रिया, इनके उत्तर देना। दूसरी चीज मापन, जो उत्तर दिए हैं उनका आप जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो परिणाम आता है उसको संख्यात्मक रूप देना। देखिए मैंने मापन के बारे में कहा था केवल मात्र परिमाणात्मक रूप में आएगा, यानी संख्या के रूप में कोई आप जांच कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, मापन, यानी संख्यात्मक रूप देना। जो किसी ने, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने उत्तर दिए हैं, उत्तरों की गणना करके, ये चीजें याद रखनी है भाई, उत्तरों की गणना करके परिणामों को संख्यात्मक मान प्रदान करना ही क्या है, मापन है। अब देखो एक है आकलन, तो ये परिणामों का संख्यात्मक मान तो इसके साथ साथ आएगा, लेकिन जो गैर मापन की विधियां हैं, गैर यहाँ पर मापन की विधियां होगी वो भी शामिल कर ली जाएं, वो भी अगर यहाँ पर आ जाएं, जो गैर मापित उपकरण है, गैर मापन उपकरणों का भी प्रयोग किया जाए तो उसके अंदर आकलन हो जाएगा। अगर इसके अंदर प्लस आप गैर मापन उपकरण और यूज कर देते हैं, यानी जिनके द्वारा, देखिए मापन तो होगा ही होगा लेकिन इसके साथ साथ उसके थोड़ा बहुत व्यवहार के, देखिए मूल्यांकन तो एक बड़ी चीज़ होगी लेकिन आकलन इससे छोटी चीज़ है, मूल्यांकन से छोटी चीज़ है लेकिन मापन से बड़ी चीज़ है। कक्षा के अंदर किसी भी छात्र का व्यवहार के बारे में जानकारी अर्जित करना, मापन तो साथ साथ में होगा ही लेकिन उसके साथ में थोड़ा बहुत व्यवहार के बारे में भी जान लेना क्या है, आपका आकलन होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, पूरी आकलन। और मूल्यांकन आपको मैंने दाई दिया क्या था, मूल्यांकन के अंदर मापन और गुणात्मक, यानी मापन भी होगा, सीधा मापन होगा और प्लस उसके गुणात्मक मापन, यानी जिसके व्यवहार के बारे में कि वो एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है,
किस तरह वो समाज के अंदर रह रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ों का मापन क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन के अंदर अंतर क्या है। वैसे आपको मैंने बता दिया था मापन और मूल्यांकन, लेकिन उसमें अंतर भी हम कुछ बता देता हूँ। बाकी पूरा ज़्यादा मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, शॉर्ट में लिखूँगा। पूरी जो लैंग्वेज है वो आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगी अच्छे से। नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अभी टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास वाइज नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम अपने जो गांधी नॉलेज बैंक जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही सेम टू सेम चैनल का नाम है। उस पर भी आपको लगभग 3000 प्लस स्टूडेंट उस पर जुड़ चुके हैं सेकेंड ग्रेड के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको। चलिए अब हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। यहाँ लिखता हूँ मैं मापन, और ये है आपका भाई मूल्यांकन। ये हो गया मूल्यांकन। देखो दोनों में अंतर आपको वैसे पता है। देखिए मापन के अंदर क्या चीज़ होती है और मूल्यांकन के अंदर क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था नंबर एक बात पर मापन के बारे में। मापन क्या होता है, कोई आप जांच कर रहे हैं तो उसके अंदर केवल मात्र जो परिमाणात्मक जो संख्यात्मक आंकड़े हैं कि अमुक विद्यार्थी के 95% बने हैं, तो केवल मात्र इतना ही मापन करना कि उसके 95% बने हैं, तो ये मापन ये क्या होगा, केवल मात्र 95% मापना, ये मापन है। लेकिन इसके साथ साथ उसके गुणों में या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, कि मान लीजिए विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व एक विद्यार्थी उद्दंड प्रवृत्ति का था, यानी शरारतें, नौटंकीबाजी, यानी असामाजिक प्राणी था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, असामाजिक बिहेव करता था, किसी के साथ बोलना नहीं, शिक्षकों के साथ भद्र व्यवहार करना, यानी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना, सामने कई बार स्टूडेंट होते हैं ना ऐसे जो शिक्षक के सामने बोल जाते हैं, अपने घर वालों की बात नहीं मानते हैं, किसी का लड़ाई झगड़े, तो इस प्रकार का उद्दंडी प्रवृत्ति का एक बालक था। मूल्यांकन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना तो वो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो और इस तरह के बिहेवियर में भी वो जीरो। लेकिन अगर हम ये बात करें कि उसके विद्यार्थी के परसेंट 95 बन गए बारहवीं के अंदर, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो वैसी की वैसी पास्विक प्रवृत्ति पड़ी है उसकी, परसेंट तो उसने 95 बना लिए। हालांकि हम कह सकते हैं मापन तो उसका बेहतरीन हो गया, उसने 95% बना लिए, लेकिन मूल्यांकन क्या हुआ, मूल्यांकन में तो ये जो 95% बनाए हैं उसने केवल मात्र उसका मापन है, व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, व्यवहार तो ऐसा कैसा है तो वो उसे मूल्यांकन नहीं कह सकते। मूल्यांकन होगा व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो चीज़ें नोटिस करना, यानी उसके अंदर व्यवहार में कोई चेंज हुआ कि नहीं, अब वो रिस्पेक्ट देने लगा है या नहीं देना देने लगा, तो इन चीज़ों का मापन करना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो इसके अंदर तो केवल मात्र आप लिख सकते हैं, यहाँ पर केवल मात्र संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे, संख्यात्मक या परिमाणात्मक कह सकते हैं आप, परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत। लेकिन यहां पर क्या होगा भाई, संख्यात्मक तो होगा ही होगा, प्लस इसके साथ गुणात्मक हो रहेगा, संख्यात्मक तो यहां है यही क्या, संख्यात्मक या परिमाणात्मक तो है यही, ये हम बात पहले डेफिनेशन के अंदर कर चुके हैं, प्लस का गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं आप, गुणात्मक परिवर्तन या व्यवहार संबंधी परिवर्तन क्या हुए हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंज हुई है। दूसरी बात, अब एक चीज यहां से आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, देखिए इसके अंदर तो संकुचित शब्द हो गया, इसके अंदर देखो गुणात्मक भी आ रहा है, तो ये एक बड़ा शब्द हो गया व्यापक, यानी जो आपका मापन है वो तो क्या है, एक संकुचित शब्द है, केवल मात्र थोड़ी सी चीज का मापन करता है, संकुचित शब्द, लेकिन ये क्या है, व्यापक शब्द है, ये कई बार सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, व्यापक शब्द है, यानी इसके अंदर आप तीनों जो आपके उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन केवल मात्र इसके अंदर केवल मात्र ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन संभव। इसमें थोड़ा बहुत क्रियात्मक भी हो सकता है, लेकिन भावात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर देखिए तीनों उद्देश्य हैं आपके, बात कर सकते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्य इसके अंदर आएंगे। एक बात और आप समझ लीजिए, कौन सी वाली, ये तीन बात होगी, चौथी बात कौन सी, मैंने एक चीज आपको बताई थी निदानात्मक व उपचारात्मक,
अर्थ अगर आपको याद है तो मेरे ख्याल से पता होगा कि कौन से के अंदर निदानात्मक हो सकता है, कौन से के अंदर उपचारात्मक हो सकता है, ये बात मुझे आप बताएंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत आपने सोचा भी होगा, आपको पता भी होगा कि देखिए मापन के अंदर क्या, देखिए निदान क्या होता है, पहले मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको, पहले भी बता चुका हूँ। यानी कोई भी टीचर ने आपको पढ़ाया अच्छे से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, फिर वो उसकी जाँच करेगा, सीधी सी बात है, और वो जाँच करेगा तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी के नंबर कम आए हैं, तो अब वो निदान करेगा, निदान यानी नंबर कम आए हैं क्या कारण रहे हैं, क्या कारण रहे हैं जो विद्यार्थी को जो शैक्षिक उद्देश्य वो प्रदान कराना चाहता था शिक्षक वो नहीं करा पाया, कौन से कारण थे जिसकी वजह से शिक्षार्थी को जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, वो कारणों का खोज करना। हालांकि कोई भी कमी हो सकती है, मान लीजिए खुद शिक्षक ने शिक्षण विधियों का सही प्रयोग नहीं किया, छात्र ने स्वयं रुचि लेकर पढ़ाई नहीं की, परिवार में क्लेश हो सकता है उससे छात्र नहीं पढ़ा, कोई भी अदर कारण हो सकता है, तो वो सारा कारणों का पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक होता है। उपचारात्मक जो कारण ढूंढे हैं उनमें सुधार करना, यानी जो कारण ढूंढ लिया हाँ ये कारण है, उन कारणों को दूर करके बालक में पुनः वो चीज़ें अच्छे अंक आए, कारणों को हटा दिया और अच्छे से दोबारा मेहनत कराई तो उसके अच्छे अंक आ गए, तो वो चीज़ें क्या थी, उपचारात्मक, यानी उपचार कर देना। तो बताएं क्या केवल मात्र इससे केवल मात्र पता चलेगा कि उसके 50% बने हैं, लेकिन क्यों बने हैं, क्या कारण रहा, ये इससे नहीं पता चल सकता। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि निदानात्मक व उपचारात्मक संभव नहीं, निदानात्मक व उपचारात्मक संभव नहीं है, उपचारात्मक संभव है क्या, नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, संभव है, इसके अंदर तो संभव है। क्यों, क्योंकि मूल्यांकन करें, मूल्यांकन का अर्थ ही क्या है, व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, और व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, हर एक चीज नोटिस यहां पर की जाएगी, तो यहां संभव हो सकता है। बात करें समय की, किसके अंदर ज्यादा लगेगा, समय धन और शक्ति यानी श्रम किसके अंदर ज्यादा लगेगा, तो सीधी सी बात है, देखो ये बड़ा व्यापक शब्द है, तो इसके अंदर समय धन और श्रम है वो अधिक खर्च होगा, टाइम भी इसके अंदर ज़्यादा लगेगा, इसके अंदर तो सीधा परसेंट निकाल दिया भैया, तेरे 95% बने, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 95% कारण क्या रहे, सार व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नोटिस की जाएगी। तो इसके अंदर समय, श्रम व धन कम खर्च, लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो समय धन, समय धन व श्रम अधिक खर्च, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें, लिख लीजिए, ज़्यादा इसके अंदर कुछ चीज़ें और नहीं हैं। उसके बाद आगे मूल्यांकन के प्रकार हम पढ़ते हैं, एक चीज़ ये सब जानते हैं, मापन क्या है, मूल्यांकन का ही एक भाग है, मापन क्या है, शाबाश, मूल्यांकन का ही एक भाग है, तो ये सब जानते हैं, लिख लो इसको, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे, देखिए मूल्यांकन के अलग अलग तरीके से 4-5 प्रकार आप कह सकते हैं, हम मूल्यांकन के प्रकार पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं भाई, और बहुत ज़्यादा ही उठते हैं। लिख लिया होगा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन के प्रकार, देखिए बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते जाइए, एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं, तो ऐसी कोई नोट्सों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेकेंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए, और ये टीचिंग मेथड तो हर विद्यार्थी के लिए काम आने वाले हैं, तो अगर अच्छा लगे क्लासेस तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। कुछ देखिए यूट्यूब पर शायद ही ऐसी कोई क्लासेस होगी, अब तक आपने चीज़ें देखते आ रहे हैं आप लगातार, यानी ऐसी क्लासेस आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, वो हमने करने का प्रयास किया है, हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या मैथ्स के अंदर सेकेंड ग्रेड की बात करें तो कम होगी, इस वजह से थोड़ी मोटी चीज़ें देखिए आप ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करते रहें, क्योंकि हर स्टूडेंट तक पहुँचना ज़रूरी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो तैयारी करने वाले हैं ज़्यादातर 50 या 60 हज़ार के आसपास ही हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें से भी हमारे चैनल पर अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सेकंड ग्रेड के, जो लगातार व्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 50-60 हज़ार स्टूडेंट हैं, तो उनमें से
20-25 हज़ार स्टूडेंट तो और हैं, बाकी जो बचे हैं उन स्टूडेंट्स को भी आप ऐड करने का प्रयास करें। बहुत स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जो इन चीज़ों से वंचित रह चुके हैं, क्योंकि देखिए कोचिंग वगैरह में भी टीचिंग मेथड्स बहुत कम करवाई जा रही हैं। कमेंट्स आते हैं कि सर आप करवाएं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सकूं मैं। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर दिल खोल कर कीजिए भाई, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो उतना ही और अधिक यहाँ पर चीज़ें मेहनत की जाती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप चीज़ें शेयर करते रहें अच्छा लगे तो। देखिए मूल्यांकन के प्रकार हम बात करते हैं, मूल्यांकन के प्रकार। देखिए ये मैंने बना लिया, ठीक है, अब एक एक बात करते हैं। नंबर एक, मूल्यांकन के प्रकार में देखिए एक चीज आएगी पहले, ठीक है, एक तो आंतरिक मूल्यांकन, ध्यान से सुनिएगा, नंबर एक आंतरिक मूल्यांकन, अलग अलग पार्ट आएंगे भाई, आंतरिक मूल्यांकन। नंबर दो बाह्य मूल्यांकन, एक एक बात अच्छे से मैं बात करूंगा कि कौन सा आंतरिक मूल्यांकन होता है, कौन सा बाह्य मूल्यांकन है, ठीक है, ठीक है। नंबर एक पर आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, ये इसी के दो पार्ट हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहां से, देखिए नंबर एक आता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। आराम से बताऊंगा मैं, एक एक चीज समझाऊंगा आपको क्या है, एक बार आप लिख लीजिए संदर्भित, चार्ट बना लेना ऐसा कैसा, संदर्भित मूल्यांकन। दूसरा अगर हम बात करें इसी के अंदर मानदंड, इसके अंदर मानदंड संदर्भित मूल्यांकन हो जाएगा, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तीसरे की अगर हम बात करें पाठ्य अंतर्गत, यानी पाठ्य पुस्तक के साथ साथ, यानी कोई पाठ पढ़ा रहा है उसके साथ साथ मूल्यांकन हो, एक पाठो उपरांत हो, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं पाठ्य अंतर्गत। तो नंबर एक लिख सकते हैं पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन, दूसरा हो गया पाठोपरांत, पाठोपरांत, मूल्यांकन, ठीक है। सभी बताऊंगा, एक मिनट ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए इन चीजों को। आगे आपका आता है भाई जी के अंदर चार चीजें आएंगी, यहां तो नहीं आएगा, थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं इसको। ठीक है, नंबर एक हम बात करते हैं आगे, स्थापन या नियोजन, यानी पहले से ही पूरी प्रक्रिया नियोजित रूप से हो, नियोजन मूल्यांकन। दूसरा अगर हम बात करें रचनात्मक मूल्यांकन, कक्षा के अंदर होगा रचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा अगर हम बात करें योगात्मक, यानी पूरा साल के अंत में जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, योगात्मक मूल्यांकन वार्षिक होती हैं उनका। और चौथा है निदानात्मक, तो ये हैं भैया आपके मूल्यांकन। चार्ट अच्छे से बना लीजिए, दोबारा बता दूंगा, दोबारा सुन लीजिए क्या है मूल्यांकन के प्रकार हैं। मूल्यांकन के प्रकार के अंदर सबसे पहला आंतरिक मूल्यांकन, थोड़ा सा अगर मैं यहीं पर बताऊं आपको, आंतरिक मूल्यांकन यानी आंतरिक मूल्यांकन क्या होगा, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी कक्षा के अंदर, दसवीं क्लास के अंदर है, मैं ही आपका मूल्यांकन करूं, तो वो क्या हो गया, आंतरिक मूल्यांकन हो गया। तो आंतरिक मूल्यांकन है, तो इसके अंदर देखिए क्या फर्क पड़ सकता है। अब देखिए मुझे मान लीजिए मैं कक्षा के अंदर 40 विद्यार्थी हैं, तो मुझे पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कौन सा कितना पानी के अंदर है, सबको जानता हूं मैं आपके बारे में कि हाँ ये विद्यार्थी पढ़ने वाला है, इसके अच्छे अंक आते हैं। तो मान लीजिए जिस विद्यार्थी के अच्छे अंक आते हैं लगातार, वो मान लीजिए मेरी नज़र में है, और उसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, उसकी कॉपी आ गई, उसका नाम दिख गया, उसकी राइटिंग भी मैं पहचान जाऊँगा, तो मैं देखिए इसके अंदर भेदभाव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा कि भाई हाँ इसकी कॉपी तो बेस्ट ही होनी है, तो मैं बिना कमियाँ निकाले सीधा सीधा उसको 10 में से 10 नंबर दे दूँगा। तो ये एक चीज़ गलत बात है इसकी। दूसरी पूर्वाग्रह, यानी जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं उसमें भी भेदभाव होगा, तो सीधी सी बात है इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ का मूल्यांकन कर सकता हूँ, क्या पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से मूल्यांकन हो सकता है, यानी हर एक चीज़ उसके व्यवहार को भी मैं नोटिस कर सकता हूँ कि इसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसा है उसका बिहेवियर, सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। लेकिन बाह्य मूल्यांकन के अंदर क्या होगा, बाह्य मूल्यांकन के अंदर ऐसे शिक्षक के पास आपकी कॉपी जाएगी जिसको नहीं पता है कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप कौन से स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे तो पता था ना, लेकिन बाह्य मूल्यांकन कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता है कि ये स्टूडेंट कौन सी कॉपी है। तो मूल्यांकन में क्या होगी, देखिए विश्वसनीयता रहेगी, मूल्यांकन सही से हो पाएगा, यानी एक कमियां भी निकालेगा बाह्य, तो ये एक चीज़ बेस्ट होगी इसकी। लेकिन ये पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकता, केवल मात्र ये मापन कर सकता है। अब बाह्य शिक्षक के पास कॉपी गई है, वो व्यवहार के बारे में बता सकता है क्या, उसका व्यवहार ऐसा है वो नहीं बता सकता, लेकिन वो इतना बता सकता है कि इस कॉपी में उस अमुख बालक के 95 नंबर बने हैं, ये बता सकता है, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं हो सकता बाह्य मूल्यांकन के अंदर। तो ये आपका है पहला मूल्यांकन। पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन, देखिए वैसे आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि एक चीज़ मैं लिखवा कर समझा सकता हूँ, लेकिन यहीं पर देखिए नोट्सों के अंदर मैंने प्रॉपर चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप वो कर सकते हैं आराम से, नोट्स बना लेना, इनको अलग अलग मैंने बता रखा है। पाठ्यांतर्गत यानी पाठ के साथ साथ, पाठ आप मैं मान लीजिए मैं कोई आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स के अंदर ही कोई चैप्टर मैंने पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ ही आपका मैं मूल्यांकन करता जाऊँ, पढ़ा दिया थोड़ा सा फिर पूछ लिया शाबाश खड़ा हो बता, तो आप बता दोगे, तो ये पाठ के साथ साथ ही मूल्यांकन नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, तो इसके साथ साथ उसका निदान भी हो रहा है, उपचार भी हो रहा है, यानी कमियों का पता चल जाएगा कहाँ पर एक विद्यार्थी को कमी रह रही है। तो पाठ्यांतर्गत पाठ के साथ साथ, लेकिन पाठों उपरांत जैसे ही आपका पाठ कंप्लीट होता है उसके बाद मैं टेस्ट लूँ, बस यही दो चीज़ें हैं इसके अंदर, पाठ्यांतर मूल्यांकन, पाठों उपरांत मूल्यांकन। तो सब कुछ इससे पता लगाया जा सकता है। पाठों उपरांत के अंदर आप सारी परीक्षाएं ले सकते हैं, मौखिक ले सकते हैं, लिखित ले सकते हैं और प्रायोगिक परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन पाठ के साथ साथ आप ज़्यादातर मौखिक परीक्षाएं ले सकते हैं। उठकर पूछें बता बता भी क्या फॉर्मूला है इसका, सीधा पूछूंगा मैं, बता कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, क्या कहते हैं इसको, तो ये मैंने मौखिक रूप से चीज़ें पूछी हैं। तो यहाँ पर पाठ के साथ साथ मौखिक रूप से ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसमें बालक के उच्चारण का पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण कैसा है, लेकिन इसमें मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा सब कुछ इसके अंदर हो सकती है, प्रायोगिक परीक्षा भी। बात करते हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन या फिर एक है दूसरा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो देखिए इसमें क्या होगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन में इसमें मानदंड तय नहीं किया जाएगा। मानदंड का अर्थ क्या हुआ, मानदंड होता है मान लीजिए मैं कक्षा में छात्रों का विभाजन कर रहा हूँ और मैंने कह दिया कि 80% वाले छात्र जिनके 80% हैं दसवीं क्लास के अंदर, मान लीजिए 11वीं क्लास में मैं सेक्शन बांट रहा हूँ, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि जिसके 10वीं क्लास के अंदर 80% हैं, 80% से ज़्यादा हैं, वो ए सेक्शन के अंदर आ जाएं। तो मैंने एक मानदंड तय कर दिया कि हाँ इतने परसेंट है तो ही आप आ पाएंगे, बाकी सारे बी सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो ये आपका मानदंड तय हो गया। लेकिन जो ये आपका है मानक संदर्भित मूल्यांकन, इसके अंदर मानदंड तय नहीं किया जाता, इसके अंदर सीधे आपको ग्रेड दी जाती हैं, 87% दिए जाते हैं, बस यही दी जाती हैं। इसमें क्या होता है, दूसरे बालक से तुलना की जाती है, हाँ भाई तेरे 85% है, मेरे 90% है ना, तुलना यहाँ पर होगी। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ मानदंड तय किया जाएगा, सीधी सी बात है कि मानदंड 80% वाले इधर आ जाओ, यानी इतनी उम्र वाले, ये को परसेंट से नहीं, आप उम्र से भी कर सकते हैं, 60 किलो वाले वजन वाले इधर आ जाओ, 70 वाले इधर आ जाओ, तो ये मानदंड भी यहाँ पर तय किए जाते हैं। तो मानदंड का आप अच्छे से अर्थ समझ चुके होंगे, ठीक है। जो आपके रिजल्ट हैं उनकी मानदंड से तुलना की जाती है, आपका मान लीजिए 70% आया है, मैंने कहा 80%, तो यानी जो रिजल्ट आया निष्पत्ति आप में हुई है उसकी तुलना मानदंड से की जाती है, लेकिन उसमें एक विद्यार्थी के जो परिणाम है वो दूसरे विद्यार्थी के साथ तुलना की जाती है, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से। यहाँ पर यानी नियोजन, यानी पूर्ण तरीके से नियोजित मूल्यांकन किया जाए, पूर्ण तरीके से चरणबद्ध प्रक्रिया, पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था बनाई जाए, पूर्ण रूप से उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, फिर आपका मूल्यांकन किया जाए, तो उसे नियोजन मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कक्षा में विद्यार्थी है उसके साथ साथ, यानी जैसे ये पाठ्य अंतर था तो यहीं पर कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाए कि उसने कितना कुछ चीज़ें सीखी हैं नहीं सीखी हैं, तो वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है सब जानते हैं, यानी जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपकी मान लीजिए द्विवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, तो उसके दौरान जो आपका मापन किया जाता है, उसके दौरान जो आपका जांच की जाती है, वो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। निदानात्मक
योगात्मक मूल्यांकन में मान लीजिए आपको परसेंटेज कम मिले हैं, रिजल्ट कम आया है, उसके बाद में निदान किया जाएगा। निदानात्मक आप, मैं पहले समझा चुका हूँ कि जो आपके अंदर कमियाँ रही हैं, किन वजह से जो कमियाँ रही हैं उन कारणों की खोज करना ही क्या होता है, निदानात्मक होना है। उसके बाद उपचारात्मक किया जाता है, यानी जो कमियाँ रही थी उनको दूर करके दोबारा आपको पढ़ाया जाए तो वो आपको उपचारात्मक होगा। तो ये है भैया आपका मेरे ख्याल से मूल्यांकन के प्रकार हैं, सभी के बारे में मैंने बता दिया अच्छे से। अब मूल्यांकन की कुछ प्रविधियाँ आएगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो वो लिखवाता हूँ मैं, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, किन किन द्वारा आप, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं आप, यानी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, ये सभी के बारे में। गुणात्मक की अगर अंदर हम बात करें तो आपकी कोई रेटिंग स्केल है, रेटिंग देनी है आपको, आपका साक्षात्कार इंटरव्यू लेना है, जांच सूची बनानी है, प्रश्नावली विधि द्वारा आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अवलोकन कर किया जा रहा है, तो इससे क्या किसकी जाँच होगी, आपके गुणात्मक पक्ष की जाँच की जाएगी। तो वो चीज़ें किसके अंदर आएंगी, गुणात्मक के अंदर। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, और एक एक अच्छे से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो कौन सा हो जाएगा भाई, मूल्यांकन यानी किन विधियों द्वारा आप मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियाँ। मूल्यांकन की प्रविधियाँ, ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो नंबर एक चीज क्या आएगी, परिमाणात्मक, क्या आएगा, परिमाणात्मक, या इसे ही क्या कहेंगे, संख्यात्मक, परिमाणात्मक या फिर इसे ही संख्यात्मक प्रविधियां कह सकते हैं, संख्यात्मक प्रविधियां। कौन कौन सी प्रविधियां होंगी, देखिए दूसरा गुणात्मक प्रविधियां, कौन सा, गुणात्मक प्रविधियां, गुणात्मक प्रविधियां, और एक है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां, और यह है गुणात्मक प्रविधियां, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए परिमाणात्मक ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे आप केवल मात्र मापन कर सकते हैं, केवल मात्र मापन कर सकते हैं, तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि साहब एक तो आपकी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा द्वारा सीधे सीधे आपको नंबर मिलेंगे, 60 में से 30 आए, मौखिक द्वारा भी क्या मिलते हैं, नंबर ही मिलेंगे, और प्रायोगिक में उसमें भी नंबर मिलेंगे, तो केवल मात्र मापन किया जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी विधियां होंगी, तो यहां पर आप बात कर सकते हैं, नंबर एक लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा नीचे लिख देता हूं, दूसरी आप बात कर सकते हैं मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, और तीसरी आप बात कर सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, तो यानी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा आप एक व्यक्ति का, एक बालक का मापन कर सकते हैं, परिमाणात्मक संख्यात्मक मान दे प्रोवाइड करा सकते हैं। अब लिखित परीक्षा भी कितने प्रकार की होती है, एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। लिखित परीक्षा देखिए, एक तो आपकी निबंधात्मक परीक्षा होगी, निबंध के रूप में आपको लिखना, इसके बारे में स्पेशल हम बात करेंगे, इनके गुण दोष के बारे में भी, निबंधात्मक परीक्षा। ये एक हो सकती है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ को भी आगे हम बात करेंगे, निबंधात्मक के आगे हम बात करेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए वैसे आप जानते हैं निबंध के रूप में लिखना, पूरा फुल एक दो पेज भर देने, विचार तर्क शक्ति बढ़ती है इनसे। वस्तुनिष्ठ में फिक्स आपको अनुमान चार उत्तर दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक उत्तर का चयन करना है, तो वो क्या होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है, बात करें हम गुणात्मक की, गुणात्मक की देखिए, गुणात्मक के अंदर पहले क्या होगा, देखिए जो प्रविधियां जिनका सारा लेंगे, तो नंबर एक आती है आपकी, यहां पर लिखता हूं मैं, नंबर एक अवलोकन, नंबर एक क्या आती है, अवलोकन। सबसे पहले एक विद्यार्थी का देखिए अवलोकन किया जाता है, इसके बारे में हम अच्छे से एक एक चीज हम बात करने वाले हैं, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। ठीक है, एक एक चीज हम बात करेंगे इसके बारे में,
एक है आकस्मिक अचानक से, आकस्मिक निरीक्षण करना, अचानक से कोई आपका निरीक्षण करने लग जाए। जांच सूची बनवाना, कैसे भरी जाएगी, पूरा एक एक अच्छे से इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है जांच सूची, सब कुछ आपको समझाऊंगा। एक साक्षात्कार इंटरव्यू, सबने सुना होगा, अच्छे से बात करेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को साक्षात्कार कहते हैं। कोई साक्षात्कार ऐसे नहीं लिया जाता, एक उद्देश्य होता है उसके पीछे, साक्षात्कार लेने के लिए एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। तो पहला क्या हो गया, अवलोकन हो गया, दूसरा आकस्मिक निरीक्षण हो गया, तीसरा आपकी जांच सूची हो गई, चौथा साक्षात्कार हो गया। यहां पर देखिए एक संचयी अभिलेख कर सकते हैं, रेटिंग स्केल के बारे में देखिए, दो सभी के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो पहला अवलोकन हो गया, आकस्मिक, एक एक बार दोबारा सुन लीजिए, जांच सूची, साक्षात्कार, संचयी, रेटिंग स्केल, और यहां पर और भी विधियां देखें। मान लीजिए कोई समाज द्वारा अवलोकन आप कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई बालक को कुछ लोगों के सामने समाज के अंदर खड़ा कर दिया और उनसे पूछा जाता है, समाज द्वारा ही पूछा जाता है, समाज के लोगों द्वारा ही बताएं कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है, इसका सामाजिक जीवन कैसे, किस तरह है, समाज के अंदर रह रहा है, तो उसी के आधार पर उसे वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है कि ये आपका मंदबुद्धि है, हीन बुद्धि है। तो इस प्रकार जो विभाजन होता है वो समाज मिति जेल मुंद्रो द्वारा ये दी गई थी, इसके बारे में भी अच्छे से हम बात करेंगे, समाज मिति। एक आप प्रश्नावली विधि जो वुडवर्थ ने दी थी, प्रश्नावली बनवाना। तो ये कुछ आपकी विधियां हैं जिनके द्वारा आप एक तो परिमाणात्मक और एक गुणात्मक दोनों का आप मापन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं तो देख लीजिए आप, ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा। तो चार्ट अच्छे से आपको बना लेना है, ये बस इसी चार्ट में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी गुणात्मक प्रविधियां नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक वस्तुनिष्ठ ऑप्शन दे देगा, तीन यहां से दे देगा, तो सीधा आप बता दोगे कि वस्तुनिष्ठ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि गुणात्मक प्रविधियों के अंदर कौन सा नहीं आता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये था भैया आपका, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में एक एक बात करेंगे, लिखित परीक्षा क्या होती है, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, निबंधात्मक कितने प्रकार का होता है, वस्तुनिष्ठ कितने प्रकार का होता है, गुणात्मक प्रविधियों में जो भी है आपका अवलोकन करना, आकस्मिक करना, जांच सूची बना रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं, प्रश्नावली कर रहे हैं, समाज मिति का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सारे के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।